जय हिंद दोस्तों, सैनिक टॉप 10 न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। 27 जुलाई से वन रैंक वन पेंशन के 2600 दिन पूरे हुए। 2600 दिनों से बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों को इंतजार है वन रैंक वन पेंशन का। कर्नल रिटायर कर्नल राजेंद्र शुक्ला साहब ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की कि आपके हाथों द्वारा वन रैंक वन पेंशन लागू किया जाए और आपके द्वारा घोषणा की जाए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सर्कुलर नंबर 227 पीसीडीए के अनुसार पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर अगर उनके बच्चे दिव्यांग हैं, निशक्त जन हैं, तो उनको फैमिली पेंशन मिलने का पूरा अधिकार है और उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। सर्कुलर जारी किया पीसीडीए ने, 227 सर्कुलर नंबर है उसका। दूसरी बड़ी खबर, प्रीमैच्योर रिटायरमेंट 0.5% 2023 तक ही जा सकेंगे। बता दें ये पहले 2.5% थी, कोरोना के टाइम से ये घटकर 0.5% ही रह गई है, जिससे कई सैनिकों को दिक्कत आ रही है, उनको प्रीमैच्योर सैंक्शन नहीं किए जा रहे। नेक्स्ट बड़ी खबर, हर घर तिरंगा अभियान के तहत अब तिरंगा फहराने पर प्रतिबंध हट चुके हैं। पहले तिरंगा सुबह होते ही फहराया जाता था और शाम होते ही उसको उतारना होता था, लेकिन अब दिन रात फहरा सकते हैं और इसके तहत अभियान चलाया जाएगा 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। नेक्स्ट बड़ी खबर है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आर्म्स हथियार पिस्टल राइफल का लाइसेंस कैसे लें, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। बहुत ही आसानी से अब ऑनलाइन लाइसेंस ले सकते हैं, बिना किसी दलाल के खर्च से बच सकते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो आई बटन में या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू देख सकते हैं। किराए पर अगर हथियार है तो किराए पर कैसे दें, बैंकों में किराए पर कैसे हथियार दिए जाते हैं, उसका भी मैंने उसमें वीडियो में बताया हुआ है, कैसे किराए पर देंगे, जरूर देख लें वो वीडियो जिसने नहीं देखा है। हथियार किराए पर देकर काफी कमा सकते हैं। रोजगार संबंधी समाचार में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए तमिलनाडु में वैकेंसी निकली हुई है। 8th पास 10th पास भूतपूर्व सैनिक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बता दें मद्रास हाई कोर्ट में चपरासी, क्लर्क और कई तरह की वैकेंसियां निकली हुई हैं। मद्रास में तमिलनाडु के एक सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी का वीडियो आज दोपहर 12 बजे आपको मिल जाएगा, जिसका मैं अपलोड कर दूंगा, 12 बजे आपको अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।